सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, ये जो ब्लॉग है, मैं सुबह के 10 बजे के तकरीबन शूट कर रहा हूँ और ये मेरा मणिमहेश यात्रा का तीसरा ब्लॉग है। दो ब्लॉग मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल रखे हैं, आप चाहें तो आई बटन जो आ रहा है ऊपर यहाँ पर जाकर भी मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो में जाकर सारा देख सकते हैं। पिछली जो ब्लॉग था उसमें मैंने फर्स्ट ब्लॉग में मैंने भरमौर तक यात्रा जो दिखाई थी चंबा से भरमौर तक, सेकेंड ब्लॉग में मैंने भरमौर से लेकर गंछौर तक की यात्रा दिखाई थी और ये जो मेरा थर्ड ब्लॉग है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा गंछौर से ऊपर का मार्ग और जहाँ तक देखता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो वहाँ तक मैं आपको पहुँची। तो अभी ना हम पीछे से गंछौर से होते हुए भैरव घाटी के रास्ते से एक भी जाता पार भैरव घाटी वाला अम्बांद्री घाटी के रास्ते से होकर आए हैं और अभी जो है ना ये जो नाला है यहाँ पर ये पूरा क्रॉस करेंगे और हम पारले वाले मार्ग में जो पहुँच जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा छो झरना से हम कम से कम आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद ये छोटा सा पुल आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर वही है जैसे नीचे आपने देखा धर्म और पाप का जो पुल था वहाँ पर सारे पाप धुल जाते हैं, सेम प्रोसीजर ऐसा ही है इस पुल का ही है। यहाँ पर लिखा भी है कृपया पुल सावधानी से चले, तो यहाँ पर भी लोग रस्सी बांध कर धागा बांध कर अपनी मनोकामना पूरी कराते हैं और हम इस रास्ते से जाएंगे ये पुल क्रॉस करके जो उस रास्ते से भैरव घाटी वाला रास्ता आया वहाँ पर इकट्ठा हो जाता सारा रास्ता। आगे आपको दिखाएंगे ऊपर जाके आएगी सुंदरासी आएगी नाम की जगह और सुंदरासी से आगे आएगा गौरीकुंड, गौरीकुंड से ऊपर जाकर मणिमहेश डल झील। तो बन रही है वीडियो मेरे साथ, जय भोलेनाथ बाबा की जय बाबा की। तो चलते हैं गाइस, यहाँ से गौरीकुंड जो है तकरीबन 4 किलोमीटर आ जाता है और गंछौर जो है यहाँ से नीचे 2 किलोमीटर। यहाँ पर भी जो मतलब पत्थरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा के नाम लिखे हुए, शिव भक्त की राह की दूरियां नहीं देखता, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, मणिमहेश सेवा समिति कानपुर, वैसे ऐसे कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं। और आप देख पा रहे बाहर का नज़ारा जो मतलब आउटर का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है, अभी भी जो है मतलब आसमान में चांद जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये आप देख पा रहे हैं वीडियो में। चलते हैं गाइस, अपनी यात्रा पूरी करते हैं और दिखाते हैं आगे आपको सुंदरासी लेके चलते हैं। तो अभी जो तकरीबन गाइस 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद ना हम पहुँचे यहाँ पर शिव घाट के पास, यहाँ पीछे आप देख पा रहे हैं मेरे ये है शिव का घाट। जैसे आपने देखा होगा कि चक्की जो है मतलब किस तरह से आटे को पीसती है उसकी आवाज़ किस तरह से आती है, सेम आवाज़ यहाँ पर आती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर शिव जी भगवान का घाट लगा हुआ है, घाट जो है वो पानी से चलता है और मतलब अंदर आटा पीसा जाता है। अब ये पता नहीं किसके लिए पीसा जाता है बट स्थानीय लोगों को कुछ ऐसा माना गया है कि यहाँ पर शिव का घाट है और मतलब कान लगा के यहाँ पर लोग सुन सकते हैं। यहाँ पर कई लोग जो होते हैं जो धार्मिक लोग होते हैं बड़े ही, उनको ऐसे भी जो शिव का घाट है वो उसकी जो आवाज़ है दूर से ही सुनाई देती है, जिस तरह से घाट चलता है पानी से उसी तरह से सेम आवाज़ यहाँ पर आती है, तो कुछ लोग जो यहाँ पर कान लगा कर सुनते हैं। चलो मैं आपको ले चलता हूँ शिव घाट के पास। सब फाइनली अब जो हम पहुंच चुके हैं शिव के घाट के पास है, तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं शिव का घाट है जो है ये पहाड़ है, इसमें अगर आप ध्यान से कान लगाओगे और सच्ची श्रद्धा से कान लगाओगे तो आपको जो है शिव का घाट मतलब चलते हुए जरूर सुनाई देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोग जो यहाँ पर मतलब कान लगा कर सुनते हैं और इसको मुक्ति मार्ग भी बताया गया है कि ये मुक्ति का मार्ग है। अभी जो है ना गाइस, आपने मेरे पीछे देखा यहाँ पर जो है शिव का घाट है ये, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो यहाँ पर लोग जो अपना कान लगाकर मतलब शिव का घाट सुनते हैं, कई लोगों को मतलब दूर से ही शिव का घाट जो सुनाई देता है।
तो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आगे का ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करूंगा, मैं आपको गोरीकुंड में ले जाऊंगा।